नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द करेंसी गाय में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे पांच सबसे महंगे कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉप फाइव रुपीज़ कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो जो पांचवे नंबर पे आता है वो है ये 150 इयर्स द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉइन। यह 5 रुपये का सिक्का कॉपर निकल में ढाला गया था। वेट है 9 ग्राम और साइज़ है 23 mm और शेप है राउंड। यह सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया था और बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है डायमंड। यह कॉइन 2007 में ढाला गया था और ये रेयर कैटेगरी में आता है। यह सिक्का कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील में दोनों में ढाला गया था, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कॉपर निकल कॉइन के बारे में। तो बात करें इसका ओवर साइड का, तो आप देख सकते हैं इसमें अशोका लाइन सामने में बना हुआ है और नीचे में डिनोमिनेशन 5 लिखा है। लेफ्ट साइड हिंदी में भारत रुपये एंड राइट साइड इंडिया रुपीज़। और बात करें रिवर्स साइड में तो वहाँ पे हीरोज़ ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रांची रानी ऑफ झांसी जनरल तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर टू का फ़ोटो बना गया और ऊपर इंग्लिश में हिंदी में लिखा गया द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह कॉइन सी बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया था और इसकी अभी UNC कंडीशन में प्राइस चल रही है 1500 से 1800 रुपये, लेकिन UNC कंडीशन में। अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के तरफ। तो जो फोर्थ नंबर कॉइन है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का ये कॉइन। यह कॉइन गोल्डन जुबली में ढाला गया था। यह कॉइन भी कॉपर निकल में ढाला गया था। वेट है 9.5 ग्राम, साइज़ है 23 mm और शेप है राउंड। यह सिक्का भी सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया था और बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है डायमंड। यह कॉइन भी 2007 में ढाला गया था जनरल सर्कुलेशन के लिए। अब बात करें इसके डिटेल के, तो ओवर साइड अशोका लाइन बना गया है और नीचे में डिनोमिनेशन 5, लेफ्ट साइड भारत रुपए, राइट साइड में इंडिया रुपीज़। बात करें रिवर्स साइड की तो गांधी जी का फेस बना गया है एंड विथ वुमेन विथ अ स्पिनिंग व्हील एंड विलेज टू द राइट। राइट में विलेज बना गया है, लेफ्ट साइड में वुमेन है, व्हील चला रही है और गांधी जी का फेस बना गया है। ऊपर लिखा गया खादी और 150 वर्ष में ये कॉइन जारी किया गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 50 ईयर्स। अब बात करें प्राइस के, तो ये कॉइन भी रेयर कैटेगरी में आता है और इसकी प्राइस चल रही है UNC कंडीशन में 2000 से 2500 रुपये के बीच में। जी हाँ, जो मैं भी रेट बताऊंगा सब UNC कंडीशन की है, US कंडीशन की थोड़ी कम मिल सकती है और ये एक डायनेमिक मार्केट है तो दाम कम बेसी होते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर कॉइन की तरफ। तीसरे नंबर पर जो कॉइन आता है वह है ये डांडी मार्च का कॉइन। 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च में कॉइन ढाला गया था। यह कॉइन भी कॉपर निकल में ढाला गया है। वेट है 8.85 ग्राम, साइज़ है 23 mm और शेप है राउंड। यह कॉइन भी बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया था। मिंट मार्क है डायमंड या स्मॉल डॉट और यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन में ढाला गया था 2005 में, 2 अक्टूबर 2005 में। बात करें ओवर साइड की तो अशोका लायन, नीचे डिनोमिनेशन, लेफ्ट साइड में भारत रुपए एंड राइट साइड में इंडिया रुपीज़। और बात करें रिवर्स साइड की तो गांधी जी है जो डांडी मार्च का उनका इमेज दिया गया है अपने ग्रुप के साथ, जब वो जाते हैं तो उनका इमेज दिया गया है। इंग्लिश में लिखा गया 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च, नीचे ईयर भी दिया है 1930 2005 और नीचे में डायमंड मार्क। और हिंदी में लिखा गया लेफ्ट साइड डांडी मार्च की 75 वर्ष। अब बात करें इस सिक्के के प्राइस के बारे में, तो यह सिक्का भी रेयर कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस है 2000 से 2500 रुपये UNC कंडीशन में। अब बात करते हैं दूसरा सबसे महंगा 5 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में। तो वह है ये 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कॉइन। यह कॉइन का पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो यह सिक्का भी कॉपर निकल में ढाला गया था। वेट है 9 ग्राम, साइज़ है 23 mm और शेप है राउंड। यह कॉइन भी मुंबई मिंट द्वारा ढाला गया था, सिर्फ मिंट मार्क है डायमंड,
और यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन में 23 जुलाई 2007 में आया था। बात करें ओवर साइड की तो सेम लायन अशोका लायन बना गया है, नीचे में 5 और बीच में सत्यम विजय दिल लिखा गया। लेफ्ट साइड में भारत रुपये, राइट साइड में इंडियन रुपीस, इंडिया रुपीस लिखा गया। बात करें रिवर्स साइड की तो तिलक जी का फेस बना गया है, राइट साइड फेस करते हुए उनका बना गया है। यह कॉइन की खासियत यह है कि यह सिक्का में तिलक के जगह तिलक जी लिखा गया था, जो कि आज तक किसी भी व्यक्ति के आगे नहीं लगाया गया, इसलिए यह सिक्का को गवर्नमेंट छापना बंद कर देती और मार्केट से सारा वापस ले लेती, इसलिए इस सिक्का का प्राइस अभी ज़्यादा है। तो बात करें इस कॉइन के प्राइस के बारे में तो यह कॉइन भी एकदम रेयर कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस चल रहा है 3000 to 3500 यूएनसी कंडीशन में। लेकिन तिलक जी वाला कॉइन, क्योंकि इसके बाद बाल गंगाधर तिलक वाले भी कॉपर निकल में कॉइन बने थे, स्टेनलेस स्टील में भी, लेकिन रेयरेस्ट है तिलक जी वाला कॉइन। तो अब बढ़ते हैं हमारा एक नंबर सबसे महंगा 5 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन की तरफ, और वो है यह सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस का कॉइन। यह 5 रुपये का आज तक का जारी किया गया सबसे महंगा कॉइन है। यह सिक्का की मिंटेज बहुत ही कम थी, सिर्फ 11,000। यह कॉइन की मिंटेज सिर्फ 11,000 हुई थी, इसलिए सिक्का बहुत ही रेयर कैटेगरी में आता है, रेयरेस्ट कैटेगरी में। तो बात करें डिटेल की तो यह सिक्का भी कॉपर निकल में ढाला गया था, वेट है 9 ग्राम, साइज 23 mm, सर्कुलर राउंड। यह कलकत्ता बॉम्बे मिंट द्वारा नहीं, सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा डाला गया था, इसलिए ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा। बात करें ओवर साइड की तो अशोका लाइन बना गया है, नीचे डिनोमिनेशन, लेफ्ट साइड भारत रुपए, राइट साइड इंडिया रुपीस। और बात करें रिवर्स साइड की तो इसमें बहुत सारी चीज़ एक साथ बनी गई है, जैसे बीच में ग्लोब बना गया है, फिर साइड में दो वीट की डाली बनी गई है देख सकते हैं, और फिर ऊपर में DNA का जो होता है हमारा सिंबल वो बना गया टॉप में। राइट साइड इंग्लिश में लिखा गया सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइज कांग्रेस 1996, और लेफ्ट साइड हिंदी में लिखा गया। और बात करें सिक्के की प्राइस के बारे तो यह सिक्का रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है, और यह सिक्का की UNC कंडीशन में अभी के फिलहाल मार्केट में प्राइस चल रही है 7,000 से 10,000 रुपये तक। जी हाँ, पहले सिक्के की कीमत 10,000 थी, लेकिन अभी इसका बहुत बड़ा लॉट आया था मार्केट में, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है। अभी इसके आपको मिलेंगे 7,000 से 10,000 रुपये UNC कंडीशन में। ये है फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन। इसके सेकंड स्ट्राइक के कॉइन भी आए थे, उसके भी आपको आराम से 5 से 6,000 रुपये मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास इन पाँचों में से कोई सा भी कॉइन है तो इसे ज़रूर संभाल के रखिए, और नीचे कमेंट करके बता दें कि आपके पास कौन सा कॉइन है, और अगर किसी को कॉइन चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब भी कर दे और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ।